उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसे युवा चेहरे जो उत्तर प्रदेश की शान हैं। गुजरात के मेहमान बने युवा शक्ति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील यादव। अहमदाबाद में सुनील यादव और उनके मित्रों का उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी लोगों ने उनका स्वागत किया। देखिए एक हमारी खास रिपोर्ट में। सबसे पहले तो मैं भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूँ, उनकी नगरी द्वारिका नगरी को नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ संदीप ट्रांसपोर्ट के भाई हमारे बैठे हुए हैं मालिक सुभाष यादव जी, हमारे गांव से हैं, गाजीपुर से भाई जितेंद्र भाई जी हैं। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतना ज़ोरदार स्वागत किए इस गुजरात नगरी में। हमारा संगठन युवा शक्ति संघ स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण पर कार्य करता है। इसमें स्वास्थ्य को लेके मेडिकल कैंप लगवाना, लोगों को जागरूक करना, शिक्षा के क्षेत्र में हम एक निःशुल्क कोचिंग चलाते हैं जिसमें 30 बच्चों को हम लोगों ने गोद ले रखा है और हमारा संगठन पूर्वांचल में अभी चल रहा है। हर जगह जाके प्राथमिक विद्यालयों में वहाँ पे कॉपी पेन बंटवाना, बच्चों के बीच शिक्षा के लिए जागरूक करना, शिक्षा प्रोत्साहन अभियान के जरिए हम लोग करते हैं और जितने गरीब बच्चे हैं जो झोपड़ी में रहते हैं नहीं पढ़ पाते हैं उनको ले जाके हम लोग उनका एडमिशन करवाते हैं प्राथमिक विद्यालयों में कि वो लोग पढ़ें। पर्यावरण के तहत हम लोग पौधे लगाते हैं। पिछले 2-3 साल से 50,000 का टारगेट लिए थे 3 साल पहले, उसको हम लोगों ने लगाया। अभी ये कार्य चल रहा है गौरैया बचाओ, जल संरक्षण का, ये सब कार्य हमारा चलता है। उसके लिए हम लोग एक फॉर्म रखे हैं सदस्य बनाने का और 20 रुपया उसका शुल्क है, उसके जरिए हम लोग सदस्य बनाते हैं। ये अभी कहाँ कहाँ सीमित है? अभी यह आपका पर्पस उत्तर प्रदेश में ही है कि और भी जगह राज्य में देखने को मिलने वाला है? नहीं, अभी तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे हम लोग यहाँ आए, हमारे भाई हैं, यहाँ शुरू करेंगे, मुंबई में धीरे धीरे शुरुआत हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग हर जगह इसको बढ़ाएंगे क्योंकि शिक्षा सबसे ज़रूरी है, शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण। शिक्षा सरकारें भी चाहती हैं, जिस दिन अगर शिक्षा सुधर जाए तो ये जो भ्रम फैला के झूठ बोल के लोग राजनीति कर लेते हैं ये नहीं हो पाएगा और उसी दिन यह देश विकास करेगा, हमारा भारत सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। जी, युवाओं को पहले स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरण पे अमल करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे हमारे देश में जो पानी दूषित होता है उसी प्रकार हमारे देश में वायु दूषित हो रही है, तो सर्वप्रथम हम युवाओं को मिल करके पहले पर्यावरण और स्वास्थ्य फिर उसके बाद शिक्षा पे काम करना चाहिए। आपको लगता है कि आने वाले समय में देश को एक नई मोड़ दे सकते हैं युवा? बिल्कुल, पूरा देश युवाओं के ऊपर ही निर्धारित है। हमारे देश के जितने भी युवा हैं वो हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को परिवर्तित करते हैं। पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है जिस तरह का भी जो? जी बिल्कुल, आज के इस सरकार में हमारे अभी पिछले 5 सालों के बाद युवाओं के लिए रोज़गार नहीं मिल रहा है, युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार युवाओं की सोच को, युवाओं की प्रतिभा को दबाने का काम कर रही है। तो आपकी ओर से आपकी जो संस्था है, जिस संस्था से आप जुड़े हुए हैं जी, तो आपकी फर्स्ट प्राथमिकता क्या होगी? जी, हमारी प्राथमिकता यही है कि हम हर युवा के दिल की बात, हर युवा की आवाज़ को पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बताने का काम करेंगे।
ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक में जो भी सरकार द्वारा योजनाएं भेजी जाती है गांव के अंतिम पायदान तक के लोगों के विकास के लिए, उनकी देखरेख और उनकी व्यवस्था सुनिश्चित कराना ये हम लोगों का काम है। नरेंद्र मोदी द्वारा जो शौचालय का जो रखा गया कार्यक्रम, अभी बहुत गांव में जिस तरह का शौचालय नहीं है, शौचालय बनवाए जा रहे हैं, तो आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे, आपके विस्तार में कितना क्या है? देखिए, शौचालय के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा धन आवंटित किया जाता है और वो ब्लॉक के माध्यम से गांव सभा को दिया जाता है, हम तो यह कहते हैं कि गांव में जो भी शौचालय बने हैं वो शौचालय इतना कम बजट का है, 12,000 रुपया मिलता है एक शौचालय पर। आप सोच सकते हैं कि 12,000 में कितना बढ़िया शौचालय बन सकता है। इसलिए हम लोग गाँव में देखते हैं कि यह जो शौचालय का व्यवस्था कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, लेकिन बजट कम होने के कारण शौचालय बहुत अच्छा नहीं बन पाता है। इसके लिए हम यही चाहेंगे कि सरकार एक शौचालय पर जितना धन खर्च होना चाहिए, जो सुलभ हो, उतनी व्यवस्था करके ब्लॉकों को भेजने का काम करे। क्या कहेंगे, गुजरात में आप पहली बार आए हैं, किस तरह का गुजरात लग रहा है? देखिए, गुजरात में हम लोग आए हैं, सड़क देखे हैं, सड़क बढ़िया है और हमको कुछ यहाँ अगल बगल सिटी भी देखे हैं, बड़ौदा भी देखे हैं, बड़ौदा भी हमको अच्छा लगा है। हम लोग यहाँ बैठे हैं संदीप ट्रांसपोर्ट पर और संदीप ट्रांसपोर्ट में ही हम लोग बैठ करके अपनी बातों को कह रहे हैं और संदीप ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, जितनी तारीफ किया जाए कम है। इनके लोग बहुत ही ईमानदार, बहुत मेहनती और हम चाहेंगे इसी तरह से ये लोग आगे बढ़ते रहें।